हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पैटर्न मैचिंग टेबल और ग्राफ जो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, इसको बनाया था। तो आज हम लोग बात करते हैं कि ये कैसे जो है इस तरह से टेबल और ग्राफ जो है बनेगा। तो अब इसमें मान लीजिए, इसमें देखिए हम लोगों ने इसमें क्या किया था। इसमें उन्होंने लिया था कि जो हमारा पैटर्न है किसी भी टेक्स्ट टी में, हमारा जो पैटर्न है AA BA, इसको हमें सर्च करना था। ठीक है, और किस में सर्च करना था? किसी भी टेक्स्ट टी में। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें जब हम टेबल की बात करते हैं तो इन बोथ द टेबल एंड द एकॉम्पनिंग ग्राफ द पैटर्न पी एंड इट्स सबस्ट्रिंग्स क्यू विल बी रिप्रेजेंटेड बाई इटैलिक कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, द टेबल इज ऑब्टेंड एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट क्यू आई डिनोट द इनिशियल सबस्ट्रिंग ऑफ पी ऑफ लेंथ आई। यानी क्यू आई क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है इनिशियल सबस्ट्रिंग्स ऑफ पी ऑफ लेंथ आई। यानी क्यू आई का मतलब कि आई लेंथ का इनिशियल सबस्ट्रिंग शो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने लिखा क्यू जीरो, तो क्यू जीरो मतलब कि लेंथ जीरो का सबस्ट्रिंग, यानी ये तो हो गया एम्प्टी। ठीक, फिर हमने कहा क्यू वन, तो क्यू वन पी का पहला क्या है? ए है, तो क्यू वन हो जाएगा ए। उसके बाद हम बात करेंगे क्यू टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो क्यू टू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ए ए आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि क्यू थ्री, तो क्यू थ्री हो जाएगा आपका, क्यू थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बी। उसके बाद क्यू फोर, तो क्यू फोर क्या हो जाएगा? फोर लेंथ, यानी ए ए बी ए, यानी ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी ए, और ये आपका पी हो जाएगा। तो इस तरह से क्यू आई क्या डिनोट कर रहा है? क्यू आई डिनोट कर रहा है इनिशियल सबस्ट्रिंग ऑफ पी ऑफ लेंथ आई। और ये जो हमने दिखाया है दिस क्यू जीरो, इट डिनोट्स एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अब आप आ जाइए टेबल में। तो देखिए टेबल में क्या है, द रोज ऑफ द टेबल आर लेबल्ड बाय दीज इनिशियल सबस्ट्रिंग ऑफ पी। द रोज ऑफ द टेबल आर लेबल्ड बाय दीज इनिशियल सबस्ट्रिंग्स ऑफ पी। तो ये जो रोज है हमारे, ये हमने क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री ये बना दिया, एक्सक्लूडिंग पी इटसेल्फ, पी को यहाँ पे नहीं लिया है। द कॉलम ऑफ द टेबल आर लेबल्ड ए बी एंड एक्स, तो ये हमने कॉलम मार्क किया हुआ ए बी और एक्स। वेयर एक्स रिप्रेजेंट एनी करेक्टर दैट डज नॉट अपियर इन द पैटर्न पी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये लेते हैं कि लेट एफ बी द फंक्शन डिटरमाइंड बाई द टेबल। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि मान लीजिए एफ कोई फंक्शन है जिसको हमें टेबल से डिटरमाइन करना है, तो लेट एफ इज ए फंक्शन ऑफ क्यू आई कॉमा टी। ठीक है, तो ये क्या है, ये टेबल की एंट्री डिनोट कर रहा है। ये क्या डिनोट कर रहा है? डिनोट द एंट्री इन द टेबल इन रो क्यू आई एंड कॉलम टी। ये हो गई एंट्री ऑफ द टेबल इन क्यू आई रो एंड टीएथ कॉलम। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि द एंट्री एफ ऑफ क्यू आई टी इज डिफाइंड टू बी द लार्जेस्ट क्यू दैट अपीयर्स एज ए टर्मिनल सबस्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग क्यू आई टी। द कॉन्केटिनेशन ऑफ क्यू आई एंड टी, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इनके कॉन्केटिनेशन की, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इज द लार्जेस्ट क्यू दैट इज टर्मिनल सबस्ट्रिंग ऑफ क्यू टू ए। मतलब क्यू टू ए एक तरह से हो गया ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब ए क्यूब आ गया। ठीक है, एक तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि सो
फंक्शन ऑफ क्यू टू कॉमा ए, ये क्या आ जाएगा, क्यू टू आ जाएगा। ऐसी हम एम्प्टी सबस्ट्रिंग की बात करें इसकी, तो एम्प्टी सबस्ट्रिंग इज द लार्जेस्ट क्यू दैट इज ए टर्मिनल सबस्ट्रिंग ऑफ क्यू वन बी, ये किसका हो जाएगा, क्यू वन बी का टर्मिनल सबस्ट्रिंग हो जाएगा। यानी ये हो गया आपका ए बी, इसका मतलब क्या हुआ कि सो फंक्शन ऑफ क्यू वन बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू जीरो। तो ऐसे ही आप एक एक करके, ऐसे ही ए की हम बात करें, ए इज द लार्जेस्ट क्यू दैट इज ए टर्मिनल सबस्ट्रिंग ऑफ क्यू जीरो ए, क्यू जीरो ए आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ क्यू जीरो ए, ये हो गया क्यू वन। और ऐसे ही आप फिर से अगर एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे इसको, तो एम्प्टी स्ट्रिंग द लार्जेस्ट क्यू दैट इज ए टर्मिनल सबस्ट्रिंग ऑफ क्यू थ्री एक्स, ये हो जाएगा क्यू थ्री एक्स, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी एक्स। मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ क्यू थ्री एक्स, ये हो जाएगा क्यू जीरो एंड सो ऑन, इस तरह से ये एंट्रीज एंड सो ऑन, इस तरह से ये एंट्रीज होती जाएंगी। अब इसमें क्या होता है कि ऑल दो क्यू वन इक्वल टू ए इज ए टर्मिनल सबस्ट्रिंग ऑफ क्यू टू ए इज इक्वल टू ए क्यू, वी हैव फंक्शन ऑफ क्यू टू ए इज इक्वल टू क्यू टू बिकॉज क्यू टू इज ऑल्सो ए टर्मिनल सबस्ट्रिंग ऑफ क्यू टू ए इक्वल टू ए क्यू एंड क्यू टू इज लार्जर देन क्यू वन। वी नो दैट फंक्शन ऑफ क्यू आई एक्स इज इक्वल टू क्यू जीरो फॉर एनी क्यू सिंस एक्स डज नॉट अपियर इन द पैटर्न पी, accordingly the column corresponding to x is usually omitted from the table। तो इस तरह से ये जो टेबल हमने आपको बताई थी पैटर्न मैचिंग टेबल, ये क्रिएट की जाती है। अब इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट्स है तो वो आप जो है कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्राफ आया है ये कैसे आया है या ये कैसे बनाते हैं पैटर्न मैचिंग ग्राफ। ठीक, तो देखिए पैटर्न मैचिंग ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसमें क्या होता है कि जो टेबल हमने बनाई है, दिस टेबल कैन बी पिक्चर्ड बाय द लेबल्ड ग्राफ, द ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। अब ग्राफ को कैसे हम निकालते हैं कि फर्स्ट देयर इज ए नोड इन द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू ईच इनिशियल सबस्ट्रिंग ऑफ क्यू आई ऑफ पी, तो जितने नोड हैं सबस्ट्रिंग के उतने आप जितने सबस्ट्रिंग्स हैं उतने नोड बना दीजिए। तो द क्यूज आर कॉल्ड द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम एंड क्यू जीरो इज कॉल्ड द इनिशियल स्टेट। उसके बाद देयर इज एन एरो इन द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू ईच एंट्री इन द टेबल, स्पेसिफिकली एफ ऑफ क्यू आई टी इज इक्वल टू क्यू जे, देन देयर इज एन एरो लेबल्ड बाय द करेक्टर टी फ्रॉम क्यू आई टू क्यू जे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि से सपोज कीजिए फंक्शन ऑफ क्यू टू कॉमा बी, ये इज इक्वल टू क्या है, ये है क्यू थ्री, सो देयर इज एन एरो लेबल्ड बी फ्रॉम क्यू टू टू क्यू थ्री। अब इसमें नोटेशनल कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया है कि वी हैव ओमिटेड ऑल एरोज लेबल्ड एक्स विच मस्ट लीड टू द इनिशियल स्टेट क्यू जीरो। तो जो भी एरो सारे इनिशियल स्टेट क्यू जीरो पे जा रहे थे उनको हमने सिंप्लिसिटी के लिए ओमिट कर दिया, हटा दिया है। अब इसमें क्या होगा कि इस तरह से ये आपका पैटर्न मैचिंग ग्राफ भी ड्रॉ हो जाएगा। अब इसके बाद कैसे सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम में पैटर्न ए ए बी ए को सर्च करने का जो सिस्टम है या जो प्रक्रिया है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि आपको ये पैटर्न मैचिंग टेबल और पैटर्न मैचिंग ग्राफ ड्रॉ करना आ गया होगा। अगर इसके कोई इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।